الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ذمہ داران جماعت رفقائے محترم آج کا موضوع جیسا کہ ابھی واضح کیا گیا تازہ جو الیکشن ہوئے ہیں ان کے نتائج پر ان کے اثرات پر ہمیں غور کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ اس صورتحال میں ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری ملک میں انتخابات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. انتخابات میں جو پارٹی کامیاب ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے, وہ اپنا پروگرام نافذ کر سکتی ہے, وہ اپنے منصوبوں پر عمل کر سکتی ہے اور ملک کو جو رخ دینا چاہتی ہے وہ رخ دینے کی کوشش کر سکتی ہے. کسی بھی پارٹی کے حوصلوں کے اظہار کا یہ ایک تسلیم شدہ طریقہ ہے. ہمارا ملک بھی جمہوری ملک ہے, یہاں بھی انتخابات کی ایک لمبی تاریخ ہے. اس وقت جو انتخابات ہوئے اسی سال, تو یہ پارلیمنٹ کے لیے, لوک سبھا کے لیے 16 انتخابات ہیں. اس میں ان انتخابات کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے, جو لوگ کامیاب ہوئے اسے اپنی کوششوں کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں, اپنی حکمت عملی کا نتیجہ سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک نے ان کے حق میں رائے دی ہے, مینڈیٹ دیا ہے اور اس بات کا موقع فراہم کیا ہے کہ ملک کو وہ جس رخ پر لے جانا چاہتی ہیں اس رخ پر وہ لے جائیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے, اس لیے اگر وہ جشن منا رہے ہیں تو غیر فطری نہیں ہوگا. لیکن بہت سے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں جو ان کے مخالف ہیں کہ یہ انتخابات صاف ستھرے نہیں رہے, اس میں دولت کا بے تحاشا استعمال ہوا. یوں کہیے کہ ووٹر کا ذہن بنانے کے لیے, بلکہ خریدنے کے لیے دولت کا بے تحاشا استعمال ہوا. ضروری نہیں ہے کہ آدمی کچھ پیسہ ہی لے تب ووٹ دے, یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں, لیکن اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ذہن کو موڑا جائے. اس کے لیے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو پارٹی اس وقت برسر اقتدار آئی ہے اس نے اس کی زبردست کوشش کی. اسی طرح یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہاں
दस्तूरी लिहाज से तो सब बराबर हैं, लेकिन इस इलेक्शन में खास तौर पर कोशिश की गई कि यहां के राय दहिंदगान या वोटर्स बट जाएं, और इस तरह बट जाएं कि हमारी कामयाबी यकीनी हो जाए। उसके लिए उन्होंने ये मुनासिब समझा कि अक्सरियत को साथ लिया जाए, पोलराइजेशन हो, अक्सरियत ये समझे कि ये पार्टी हमारी तर्जमान है, हमारे हौसलों की को पूरा कर सकती है, हमारे जज्बात को। तो इस तरह यहां दस्तूरी लिहाज से तो इसकी गुंजाइश शायद कम होगी या नहीं होगी, लेकिन कोशिश इस बात की गई कि वोटर्स ये फैसला करें कि किसका क्या मजहब है और किस कौन किस तबके से ताल्लुक रखता है। इसी को पोलराइजेशन कहते हैं कि इस तरह आदमी एक तरफ हो जाता है। ज़ाहिर है किसी जमहूरी मुल्क के अंदर अक्सरियत एक तरफ हो जाए तो ही कामयाब होगी। तो ये कोशिश बहरहाल साफ तौर पर महसूस की गई कि ये कोशिश भी होगी और उसमें उन्हें कामयाबी भी हासिल होगी। एक तरह की नफरत की फजा भी पैदा की गई, कुछ लोगों की तस्वीर बिगाड़ी गई, उनके बारे में गलत किस्म के ख्यालात पैदा आ गए। तो ये सब बातें जो कही जाती हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें इसे बेबुनियाद नहीं कह सकते हम। हम सब जानते हैं कि इनमें बहरहाल सदाकत है, वजन है, लेकिन इसके बावजूद इंतखाबात में अब एक वाकया है कि पार्टी कामयाब हो गई है, मुल्क ने उसे तस्लीम कर लिया और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। दुनिया ने मान लिया कि भाई यहां इंतखाबात हुए, कुछ कमजोरियां होंगी, कुछ खामियाबी होंगी, अब कौन से इंतखाबात ऐसे होते हैं जिसमें खामियां नहीं होती, लेकिन बहरहाल इन इंतखाबात को तस्लीम कर लिया गया एक वाकये के तौर पर। आप भी इससे इनकार नहीं कर सकते कि एक वाकया है ये कि यहां एक पार्टी अक्सरियत में आ गई और वो अब आइंदा हुकूमत बनाएगी। यहां आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा मुल्क है ये और उसमें जो हुकूमत बनेगी वो पूरे मुल्क पर, पूरी आबादी पर सरंदाज होगी। सेंसस के हिसाब से इसे कहा जाता है 120 और 125 करोड़ की आबादी है हमारी और उसमें वोटर्स की तादाद भी 81% या उससे कुछ ज्यादा बताई जाती है। ये बहुत बड़ी तादाद है कि इतनी बड़ी आबादी में वोटर्स हिस्सा लें और किसी पार्टी के हक में या का पार्टियों के हक में राय दें। बहरहाल अब बीजेपी जिसकी क्यादत मोदी साहब कर रहे थे वो अक्सरियत में आ गई, अब तन्हा हुकूमत बना सकती है। उसे 284 सीटें मिल गई जिसकी वजह से यानी तकरीबन समझिए 10 या 11 सीटें से ज्यादा मिली हैं हुकूमत बनाने के लिए जितनी सीटों की जरूरत थी। और अगर उसकी हलीफ पार्टियों को भी आप शामिल कर लें एनडीए को तो उनकी तादाद जो है 336 हो जाती है जो बहुत बड़ी अक्सरियत है। ये जो सूरत हाल है और मोदी साहब जो सामने आए तो उन्होंने कहा कि भाई मुल्क को तरक्की चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए। अब उन्होंने गुजरात को मॉडल के तौर पर पेश किया, बहुत से लोगों ने उसकी तरदीद भी की कि गुजरात कोई मॉडल नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि मुल्क ने उनकी इस बात को तस्लीम कर लिया कि बहरहाल हमें तरक्की की जरूरत है, डेवलपमेंट की जरूरत है और गुजरात एक उसका का नमूना भी है। हालांकि मुखालिफ पार्टियों की तरफ से बार बार ये बात कही गई कि गुजरात में जिस तरक्की का वो जिक्र कर रहे हैं, एक तो ये कि वो तरक्की है नहीं
दूसरे ये है कि वो तरक्की सिर्फ मोदी साहब की कोशिश का नतीजा नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं उनका तसलसल है, जिसमें बहरहाल हो सकता है कि थोड़ा बहुत हिस्सा मोदी साहब का हो। ये नहीं है कि उन्हीं की वजह से गुजरात ने तरक्की की हो, लेकिन मुल्क ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की चाहिए और हम तरक्की फराहम करेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने इस पर जोर दी कि तब्दीली आनी चाहिए। एक करप्ट और गलत किस्म की हुकूमत 10 साल तक हमारे सर पर मुसल्लत रही है, एक चेंज आना चाहिए। जाहिर है कि इसमें भी कशिश थी, तरक्की के लफ्ज में भी कशिश है, उस तस्वीर में भी कशिश है। और ये बात कि जो इस वक्त हुकूमत है, 10 साल से जिस पार्टी की हुकूमत है, उसने इस मुल्क को दिया कम है और इसका इस्तेहसाल ज्यादा किया है, इसे लूटा ज्यादा है। और ये वाकया है कि गालिबन करप्शन के जितने वाकयात पिछली हुकूमत के दौर में आए, शायद इससे पहले कभी नहीं आए। बहुत ही शाज व नादिर कोई ऐसा मिनिस्टर होगा जिस पर इस तरह के इल्जाम ना हो। बेशतर पर यही इल्जाम हैं कि मुकदमा चल रहे हैं और बस पार्टियां इस बुनियाद पर अलग भी हुई। लेकिन बहरहाल ये बात कि करप्ट हुकूमत है, उसे बदल जाना चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने ये कही, पुराने लोगों को बाहर हटना चाहिए, नए जनरेशन को आगे आना चाहिए। एक लिहाज से वो नौजवानों के लिए अपीलिंग भी थी, और कांग्रेस ने भी ये अपील की, राहुल गांधी भी इसी से आए सामने, लेकिन उनकी अपील में इतनी कशिश नहीं थी जितने इस अधेड़ उम्र के मोदी साहब में कशिश थी कि उन्होंने कहा कि जवानों को आगे आना चाहिए। बहरहाल ये मुख्तलिफ असबाब थे जिसकी वजह से ये पार्टी इख्तदार में आ गई। इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा, जाहिर है कि उसका जो मंसूबा है, उसका जो प्रोग्राम है, और ये सारी दुनिया जानती है कि ये बहरहाल सरमायादारों के साथ है। सरमायादार भाई, पिछली हुकूमत भी सरमायादारों के साथ ही थी, मल्टीनेशनल कंपनियों की मदद से वो भी चल रही थी, उन्हीं का कब्जा था, इस हुकूमत पर ही उन्हीं का कब्जा रहेगा। लेकिन बहरहाल पूरे मुल्क के लिए है, इसमें मुसलमानों ने तशवीश भी महसूस की, और बाद मुसलमान मेरा ख्याल है बहुत शिद्दत से उन्होंने महसूस की कि एक तब्दीली जो नहीं चाहते थे वो वाकई हो गई। उसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने आम तौर पर यह सोचा कि उन पार्टियों को आगे आना चाहिए जो जमहूरी मिजाज रखते हैं और सेकुलर मिजाज रखते हैं, जो जिनका जहन मुतासिब का मारा हुआ नहीं है, जो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क के अंदर कोई मुतासिब हुकूमत हो, और जो सबको बराबर का हक देना चाहते हैं। तो ऐसी पार्टियां जाहिर है कि भाई आप नहीं कह सकते भाई कौन सी पार्टी है ऐसी, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो अपने दस्तूर के लिहाज से, अपने मंशूर के लिहाज से, अपनी पॉलिसी के लिहाज से सेकुलर कही जा सकती है, चाहे वो गलत काम करें, लेकिन आप उनको ये नहीं कह सकते कि आपका की फला बात ऐसी है जो सेकुलरिज्म से मुताबकत नहीं रखती। तो ऐसी पार्टियों को या डेमोक्रेसी से मुताबकत नहीं रखती, तो मुसलमानों ने यह चाहा कि ऐसी पार्टियां बरसरे इख्तदार आए जो बहरहाल सेकुलरिज्म की हामी हैं, जो किसी खास मजहब की हिमायत में ना खड़ी हों और खास तबके को की नुमाइंदगी ना कर रही हों, बल्कि सबको बराबर देख रही हों। तो मुसलमानों के दरमियान बहुत से इख्तलाफात हैं, इसमें शक नहीं, और इन इख्तलाफात को खत्म करना भी बज़ाहिर आसान नहीं है, ये एक अलग मौजू है। लेकिन बहरहाल इस पॉइंट पर मुसलमानों की तमाम तंजीमों का इत्तेहाद रहा, यानी ये इत्तेहाद रहा कि यहां की सेकुलर पार्टियों को और जमहूरी तर्ज की पार्टियों को, डेमोक्रेटिक पार्टियों को आगे आना चाहिए।
और उन्होंने उनके वोट तो बटे, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कोशिश उनकी यही रही कि ऐसे ही कैंडिडेट को कामयाब बनाए। ये बात अलग है, एक लंबी बहस होगी उस पर कि इसके बावजूद हमारे वोट किस तरफ गए, लेकिन जाहिर है कि जिनको हम सेकुलर पार्टियां कहते हैं या जमहूरी तर्ज की पार्टियां कहते हैं वो भी एक नहीं है, बहुत सी पार्टियां हैं और मुसलमान भी बटे हुए हैं, इसलिए उनकी जो कुछ भी ताकत है वो ताकत भी बटी हुई है। भाई मोबाइल जरा बंद रखिए। तो उसका उनकी ताकत बहरहाल मुसलमानों की ताकत जाहिर है कि भी कहीं कुछ ज्यादा है कहीं कम है। पूरे हिंदुस्तान का मंजर अगर आप देखें तो मुसलमान अपनी ताकत के बल पर यहां इलेक्शन में आसानी से कामयाब नहीं हो सकते। आपको शायद ये बात अच्छी ना लगे लेकिन वाकया यही है, मुसलमान यहां 2% से लेकर 33% तक 34% तक पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं। जहां वो 2% है वहां कौन उनको पूछेगा, जहां 4% है 5% है कौन पूछेगा उनको। हो सकता है कि वो किसी पहलू से तरक्की याफ्ता भी हो लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है, और कहीं 10% हो तो आप समझते हैं बहुत बड़ी बात है, 11% हो। मिसाल के तौर पर आंध्रा है, आंध्रा बड़ी ताकत समझी जाती है, वहां टोटल मुसलमानों की आबादी का तनासब 9% है। कर्नाटक भी एक अच्छी बड़ी रियासत समझी जाती है, जहां मुसलमानों का तनासब 12% है और वो भी बटे हुए हैं। इसलिए ये समझना कि साहब सब कुछ हमारे हाथ में है ये जमहूरी अमल में साथ देने वाली बात नहीं है। और जहां आप आसाम वगैरह में जहां 33% है या बंगाल में जहां 27% है या केरला में 25% है, वहां भी आप एक नहीं है बल्कि मुख्तलिफ पार्टियां हैं और उनके दरमियान आपका इंतखाब करना पड़ता है। तो ये मसला ये है कि ऐसी सूरत हाल में मुसलमानों ने तो कूट दिया अपना, बिलाशुबा उन्होंने ये तो तय नहीं किया कि इस वक्त किस पार्टी को सब मिलकर वोट दें, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अपनी दानिश में जिसे उन्होंने सेकुलर समझा और जमहूरी समझा उसके हक में वोट दिया, लेकिन वो नतीजा नाकाम रहा, वो पार्टियां बरसर इख्तदार नहीं आई। इसलिए जाहिर है कि फितरी तौर पर मुसलमानों को धक्का लगा। ये शायद हम सोचने के लिए आमादा नहीं है कि इसमें हमारी कितनी कोताही का दखल है, लेकिन बहरहाल ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि जो कुछ हमारी ताकत थी उसे भी हमने सही तरीके से इस्तेमाल किया या नहीं किया। आप 10% हों कहीं और फिर आप बढ़ जाएं तो जाहिर है कि वो 10% अमलन 2% रह जाते हैं 3% रह जाते हैं। तो कहने को तो आप आदाद व शुमार के लिहाज से सेंसस के हिसाब से कहेंगे जी आप फलाने की हम 10% हैं कहीं 20% हैं, और मगरिब यूपी जैसे बहुत से मकाम आते हैं जहां आप कहेंगे हम 30% हैं, लेकिन जब 30% 30 पार्टी में तकसीम हो जाएंगे तो 1% रह जाएगा वो। तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से भी हमें नुकसान होता है। और दूसरी बात यह है, ये भी बात शायद अच्छी नहीं लगेगी आपको, ये भी एक मफरूजा है और अब तक इसका कोई सबूत भी नहीं है, वो ये कि आप मुत्तहिद हो जाएंगे दूसरे बिखर जाएंगे। बेवकूफ तो नहीं है ना दुनिया, वो जब देखेगी कि आप मुत्तहिद हो रहे हैं तो भी मुत्तहिद होंगे, ये छोड़ देंगे आपको कि आप मुत्तहिद हो जाइए, हम 70% तकसीम हो जाएंगे बिखर जाएंगे अब 30% मुत्तहिद रहेंगे। घुमा फिरा कि आप मगरिब यूपी की मिसाल देते हैं ना कि फलां जगह 30% है फलां जगह 25% है फलां जगह 20% है, तो अगर आप 20% भी मुत्तहिद हो तो वो भी तो सोचेंगे कि भाई ये 20% वोट एक तरफ जा रहे हैं हमें क्या करना चाहिए। तो ये सोचना कि 80% बिखर के 20% से भी कम हो जाएंगे बड़ी नादानी है। सिर्फ आप सेंसस देख देख के खुश होते हैं कि हम इसलिए इतने हैं, जबकि उन 20% पर भी आपका कंट्रोल नहीं है।
तो बहरहाल ये वाकया है कि कुछ तवक्कुआत हमारी बहुत ज्यादा होती हैं, हर इलेक्शन में होती हैं, इस मरतबा भी रही हैं। तो इस वजह से भी हमें जमहूरी सेटअप के अंदर जो ये कमी है, खामी है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये धक्का लगा मुसलमानों को। दूसरी बात यह है, और मेरा ख्याल है कि ये धक्का इस वजह से भी लगा कि उनको अंदाजा नहीं था कि बीजेपी इतनी बड़ी ताकत के साथ या मोदी साहब इतनी बड़ी इस फोर्स के साथ सामने आ सकेंगे। इसलिए उन्होंने ये समझा कि भी मुखालिफ ताकत जिसे हम हराना चाहते थे वो एक पूरे जोर के साथ, कुव्वत के साथ आ गई। दूसरी तरफ ये भी देखते हैं मुसलमान, ये नफसियाती बात है कि अब तक मुसलमानों के जितने नुमाइंदे पार्लियामेंट में रहे हैं आपकी बार सबसे कम है, यानी गालिबन 20 नुमाइंदे पार्लियामेंट में पहुंचे, अब 24 हो गए, 24 हो गए, और ये भी पार्लियामेंट की तारीख में शायद सबसे कम तादाद है। तो ये इस लिहाज से भी उनको सदमा पहुंचता है। ये बहस भी अभी आप ना छेड़िए कि 24 नहीं अगर 25, 26, 27 भी वो पहुंच जाए तो क्या हमारी नुमाइंदगी करते हैं वो, लेकिन बहरहाल वो नुमाइंदगी नहीं करते, ये भी वाकया है। एक आदमी का नाम ले सकते हैं कि जो आपकी नुमाइंदगी करता है और बहुत जोर से करता है, ऐसे किसी दो एक आदमियों का नाम भी आप ले सकते हैं, लेकिन बेशतर लोग अपनी अपनी पार्टियों के कंट्रोल में होते हैं, उन्हीं की मशीनों पर अमल करते हैं, इसलिए वो आपके काम के ज्यादा नहीं होते। लेकिन एक साइकोलॉजी है मुसलमानों की, क्या हर पार्टी की होगी, इसमें मुसलमानों पर ब्लेम नहीं कर सकते आप, हमारी कौम का आदमी रहे वहां। और बहुत से सीनियर लीडर मुसलमानों के हैं जिन्होंने हमसे भी कहा किसी मुसलमान को पहुंचना चाहिए, मैंने कहा जाके बिक गया तब भी कहीं मुसलमान को पहुंचना चाहिए। तो ये क्या है, इसके पीछे कोई मंतिक नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे सर ये बहुत माकूल बात है, लेकिन बहरहाल इंसान की खुशी है कि मेरा भाई चला गया, मेरे घर का आदमी चला गया, मेरे खानदान का आदमी चला गया, मेरी कौम का आदमी चला गया। अब वो जाके करता क्या है बात दूसरी। तो ये सदमा भी पहुंचा आपको कि भाई अब तक हमारी तादाद कम है, और जब तजिया आप करते हैं तो और भी सदमा होता है आपको कि यूपी जैसी रियासत से एक आदमी भी नहीं गया मुसलमान, जहां आप सेंसस के हिसाब से 18% और खुद उन लोगों के अंदाजे के लिहाज से 20-21% हैं आप, और बहुत बड़ी तादाद है ये, यानी 80 नुमाइंदों में से आपका एक भी नुमाइंदा यूपी से नहीं गया, और शायद ये सूरत हाल इससे पहले नहीं हुई। तो इन चीजों को देख के आदमी को मायूसी होती है कि भाई क्या हुआ ये। और तीसरी बात ये भी है जिसकी वजह से हमें मायूसी भी होती है मुसलमानों को, वो ये है कि आम तौर पर होता ये था कि हिजब मुखालिफ अपोजिशन जो है, इसे उर्दू में हिजब मुखालिफ कहते हैं, वो बरसर इख्तदार पार्टी को कंट्रोल करती थी, इसीलिए डेमोक्रेसी में हिजब मुखालिफ का वजूद बहुत जरूरी समझा जाता है, उसके इख्तियारात होते हैं, उसे पावर दिया जाता है, और ये भी कहा जाता है कोई इतनी तादाद में हो तो उसका यह हक हासिल होगा पार्लियामेंट में, इसलिए कि वो चेक करती है, कोई गलत कदम उठाने नहीं देती है, कोई गलत चीज होने नहीं देती। अब की बार इलेक्शन ऐसा हुआ है कि शायद बीजेपी इसकी मोहताज नहीं रही, और कोई पार्टी ऐसी रही नहीं जिसे आप सही माने में हिजब मुखालिफ कर सके। सबसे बड़ी पार्टी वह कांग्रेस है उसकी, और 54 सीटों से मिली है, उसके लिए भी शायद नाकाबिल तसव्वुर चीज थी। तो ये जो सूरत हाल है इससे भी मुसलमान सोचते हैं कि भाई अब कोई चेक करने वाला भी वहां नहीं रहा, जो चाहे वो करेंगे। ये जाहिर है कि इस तरह की जो सूरत हाल है इसमें एक तरह की मायूसी, डिप्रेशन और ये एहसास कि हम आगे क्या करें, क्या सूरत हाल होगी। मेरा ख्याल है इसमें ये जो फजा है इस फजा को बदलना चाहिए। देखिए इससे पहले भी इस वक्त बिलाशुबा बीजेपी बरसर इख्तदार है,
और इससे पहले एनडीए थी। आप कहेंगे भी एनडीए में तो मुख्तलिफ पार्टियां थी, कुछ शरायत के साथ उन्होंने मामला किया था और इस वजह से वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। वो खुद भी कहते थे कि साहब अगर हमें मेजॉरिटी मिलेगी तो हम अपने मंसूबे को नाफिज कर सकेंगे, इस वक्त तो हमारे हाथ पर बंधे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आप जानते हैं कि एनडीए अमलन नाम था बीजेपी का, फैसला बीजेपी ही करती थी और पार्टियां साथ देती थी। इसलिए इस फर्क के बावजूद ये समझे कि बीजेपी ही के तहत से हुकूमत थी और उसे आपने बर्दाश्त किया। तो इसी के साथ साथ आप ये भी देखिए कि मायूसी की कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखिए, मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं है, मरकज में भी हुकूमत है, मुख्तलिफ रियासतों में भी हुकूमत नहीं है, लेकिन बहरहाल आपने वहां आप जमे हुए ही वहां, और ऐसा नहीं है कि भाई बीजेपी की हुकूमत की वजह से हमारे इदारे सब खत्म हो गए हों, हम मायूस हो गए हों और कोई कदम ना उठा पा रहे हों। ताजा मिसाल कर्नाटक की है, कर्नाटक के अंदर बीजेपी का इख्तदार था, हाल ही में कांग्रेस ने उसे उनकी झड़ों की वजह से कांग्रेस इख्तदार में आ गई, लेकिन पार्लियामेंट के इजलास में फिर बीजेपी मजबूत हो गई है। तो लेकिन आप देखेंगे कि कर्नाटक के मुसलमानों पर इस तब्दीली का कोई बड़ा असर ऐसा कि जिसकी वजह से हम समझें कि साहब वो बुझ के रह गए, उनके इदारे सब खत्म हो गए, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हौसले खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। तो जिस तरह स्टेट्स का मामला है, जरा उसे बड़े पैमाने पर आप इस रियासतों के बारे में सोच सकते हैं जिन रियासतों में बीजेपी की पहले से हुकूमत है, यकीनन वहां मसाइल उन्होंने पैदा किए हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर मुसलमान हिम्मत के साथ काम करें तो उन मसाइल पर वो काबू पा सकते हैं। अब आप देखिए कि जिस तरह आप परेशान हैं, ऐसे यहां की सियासी पार्टियां भी परेशान हैं, यानी उनके भी ऐसा नहीं, उनके लिए भी ये नतायज गैर मुतवक्क, क्या कहें, नाकाबिले तसव्वुर है। वो भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह का नतीजा निकलेगा। आप सोचिए, क्या ये सोच सकते थे आप, या कोई भी शख्स सोच सकता था कि मायावती का खाता ही नहीं खुलेगा यूपी में, बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई, खामोश, कुछ नहीं है। और मुलायम सिंह यादव साहब जो वजीर आजम बनने वाले थे, 5 सीटें मिली उनको, बार बार कहते थे कि मुझे हुकूमत बनानी है, और थर्ड फ्रंट वगैरह कभी नाम लेते थे। अब आप बताइए कि वो जिंदा रहेंगी या नहीं वो पार्टियां, या खत्म हो जाएंगे, हिसाब हमारा तो सफाया होगा। भाई इस तरह के धक्के लगने के बाद, ऐसे तरह के वाकयात पेश आने के बाद आदमी नए अज़्म और हौसले के साथ काम करता है। अगर वो अज़्म और हौसला नहीं होगा तो ऐसे बहुत सी सूरतें पैदा हो सकती हैं। ये तो मैंने कुछ मिसालें दी, लेकिन बहुत सी मिसालें आप दे सकती हैं। तमिलनाडु में डीएमके का सफाया हो गया, सिर्फ अन्ना डीएमके ही नजर आती है वहां, तो अब क्या डीएमके खत्म हो जाएगी वहां? तो और पार्टियों का भी यही हाल है। और सबसे बड़ी मिसाल कम्युनिस्ट पार्टी, जो मुल्कगीर पार्टी समझी जाती है, सफाया हो गया उसका, तो क्या अब कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो जाएगी? अरे कुफ्र के अंदर इतनी हिम्मत है, बातिल के अंदर इतनी हिम्मत है, आप हिम्मत तोड़ छोड़ दें कि ये सब पार्टियां अपने दफातर बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे कि भैया खत्म हो गया किस्सा हमारा, झंडे उतार दो? नहीं, वो कहेंगे साहब गलती हुई है, फिर ठीक होके आएंगे हम। और जिस तरह ये शायद बीजेपी भी तस्वीर नहीं कर सकती थी कि इतने वोट आएंगे उसे कामयाबी हासिल होगी, लेकिन बहरहाल उसे हासिल हुई कामयाबी। तो मेरा कहना यह है कि हमें इस मामले में बहुत ज्यादा अंदेशों में गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। जो भी सूरत हाल है उसका इंशाल्लाह हम साथ मुकाबला करेंगे, उसका साथ देंगे। देखिए कुरान में कहा गया ये जंग उहद में आपको मालूम है मुसलमानों को शुरू में कामयाबी हुई, फतह नुसरत
जी मिली, बाद में शिकस्त हुई और उसकी पूरी तफसील है। तो जाहिर है उसमें ये बात भी मशहूर हो गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए और बहुत से सहाबा हिम्मत हार के बैठ गए, तलवारें रख दी कि अब किसके लिए लड़ना है, जब हमारा सरदार ही नहीं रहा और जिसके लिए हम जान निछावर कर रहे थे वही नहीं रहा हमारे दरमियान, तो क्या करेंगे। लेकिन जब मालूम हुआ तो फिर हौसले बढ़े। उसके बाद कुरान ने जो तबसरा किया है गैर मालूमी तबसरा है, वही चीज हमारे सामने रहना चाहिए। उसने कहा इन यम सस कुम कर हुन फकद मसल कौम कर हुम मिसलो तिलका लिया मुनुदाविलुहा बैनन्नास। अरे तुम्हें चोट लगी तो तुम्हारे दुश्मन को भी तो बदर में चोट लगी थी, उनके भी 70 आदमी मारे गए थे, वो हिम्मत ना हारे तुम हिम्मत हार जाओ। इनायतों का तर्जुमा यह है अगर तुम्हें चोट लगी है तो तुम्हारे दुश्मन को इससे पहले चोट लग चुकी है, वो हिम्मत उसने हिम्मत नहीं हारी और तुम हाथ पर ढीले छोड़ के बैठ गए। वो तिलका लिया मुनुदाविलुहा बैनन्नास, ये तो दुनिया में होता ही रहता है, कभी कोई कौम आगे बढ़ती है, कभी किसी को शिकस्त दो चार होना पड़ता है और कभी कोई कामयाबी से हमकिनार होता है। फिर उसी तरह सूरह आल इमरान ही में कहा गया कि शिकस्त के बाद जब मुशरिकीन का काफिला रवाना हुआ तो जाते वक्त उनको ख्याल हुआ अरे हमने वापसी में जल्दी की और वहां हमें जम के पूरा सफाया ही कर देना चाहिए था, तो अब वो वापस होने का राग करने लगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मालूम हुआ तो आपने आवाज दी कि हम आगे बढ़ेंगे अब दुश्मन के मुकाबले के लिए। तब उन्होंने देखा कि भाई वो तो पूरी तरह तैयार होकर आगे आ रहे हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि दोबारा जंग न छेड़ी जाए। तो इस वाक्य का कुरान ने जिक्र किया है और ये कहा है केवल अल्लज़ीन इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूली मिन बाद मा असाबहुमुल कर्ह, वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की पुकार का जवाब दिया चोट खाने के बाद, वो काबिले तारीफ है। आप सोचिए कि आप जानते ही बहुत 700 सहाबा थे, 1000 थे, 300 वापस हो गए, 700 थे, उसमें भी 70 आदमी शहीद हो गए, 70 से ज्यादा जख्मी हो गए, मंजर कुछ दूसरा था और आपने कहा कि नहीं दुश्मन तैयार हो रहा है चलो, तो लोग तैयार हो गए। तो कुरान ने कहा कि अल्लाह रसूल की पुकार पर जब इस तरह दौड़ने वाले हों तो वही कामयाब भी होंगे। तो मेरे दोस्तों और साथियों, यहां हमने भी मुख्तलिफ अदवार देखे, बहुत सी सूरतें इस मुल्क में आती रही हैं। यहां मुसलमानों ने तकसीम के बाद का दौर देखा है, जहां कोई आदमी अपना नाम जाहिर करते हुए डरता था, दाढ़ी रखते हुए घबराता था और मुसलमानों के गैर मुस्लिमों के मोहल्ले में जाने डरता था, कारोबार सब उनके खत्म हो गए थे खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में और बहुत से लोग पाकिस्तान जाने की तैयारी में लगे हुए थे। ये दौर भी आपने बर्दाश्त किया और जमे रहे, तो जाहिर है कि ये नहीं सोचा जा सकता कि आप इससे भी बदतर हालात सब गुजरेंगे, और अगर गुजरेंगे तो उसी अज्म हिम्मत के साथ आप मुकाबला भी करेंगे। ये भी अज्म और हौसला आपके अंदर होना चाहिए कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो उसका भी हम मुकाबला करेंगे। तो ये बात तो ये जहन में रहनी चाहिए कि यहां मुख्तलिफ मौके पर आपके साथ आजमाइशें आती रही हैं और आपने उसमें इस्तिकामत का सबूत दिया है। हमारी कमजोरियां भी रही हैं, उन कमजोरियों में से बहस करने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन यह वाकया है कि ऐसे तमाम मौके पर आपने अज़्म हिम्मत का भी सबूत दिया है,
उसी अज़्म और हिम्मत का सबूत आज भी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपके इस मुल्क में मसाइल हैं और इनमें से बहुत से मसाइल ऐसे हैं, कोई जो एक लंबे मुद्दत से चले आ रहे हैं, वो आज के पैदा करदा नहीं है, इससे पहले से मौजूद हैं वो मसाइल। तो आपके लिए मसला ये है कि उन मसाइल को आप हल करना चाहते हैं, और इस पूरे दौर में एक खास बात यह है, मुसलमान मुख्तलिफ नाजुक मराहल से गुजरे और जज्बाती मराहल से भी गुजरे, लेकिन मुसलमानों की क़यादत ने, देखिए मुसलमानों की कमजोरियों का तो हम जिक्र करते हैं, कमजोरियों से तो हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं, लेकिन इस वाक्य से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि नाजुक हालात में भी मुसलमानों ने जज्बाती रवैया अख्तियार नहीं किया, अपने हुदूद से तजावुज नहीं किया। उसकी कई मिसालें दी जा सकती हैं और उनमें से एक मिसाल, नुमाया मिसाल जो है बाबरी मस्जिद की शहादत है। इतने बड़े वाकयात के बावजूद मुसलमानों ने यह फैसला किया, चाहे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या जो भी मुख्तलिफ मराहिल हैं, सब ने यह फैसला किया कि इस मसले का हल हम कानून ही के दायरे में ढूंढेंगे। और आज भी आपकी पोजीशन ये मजबूत है कि आप ये कहते हैं कि अदालत जो फैसला करेगी हम मान लेंगे, और हरीफ के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप कहते हैं कि हमारी बात सुन ले अदालत, डॉक्यूमेंट्स देख ले, सबूत देख ले, और अगर वो ये फैसला करती है कि नहीं साहब ये मंदिर तोड़ के बनाया गया है, तो हम जज्बरदार हो जाएंगे, इसलिए कि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि मंदिर तोड़ के बनाया गया हो। वैसे हमारे नजदीक ये मस्जिद है, ये मस्जिद ही रहनी चाहिए, हमारा मौकफ तो यही है, लेकिन अगर अदालत ये फैसला करती है तो हम मान लेंगे। ये बात वो है जिसे आपका दुश्मन या आपका हरीफ भी उसकी तरदीद नहीं कर सकता। वो तो ये कहते हैं कि अदालत कुछ भी फैसला करे, ये तो आस्था का मसला है, अकीदे का मसला है। हमारा ख्याल ये है कि साहब यहां जो है राम पैदा हुए थे, उनका वो प्रकट हुआ था उनका, तो ये अकीदा है, तारीख का कोई मसला नहीं है, इसलिए इसे मान लीजिए। तो कोई आदमी जो समझदार है वो सुनेगा तो कहेगा भाई इस मामले में जमात मुसलमानों का मौके वाजे है। इसी तरह पर्सनल लॉ पर हमला हुआ होता रहता है, लेकिन मुसलमानों ने उसके लिए ये रास्ता नहीं इख्तियार किया कि जब भी मुदाखलत हुई उन्होंने कहा हो कि भी सड़कों पे हम आ जाएंगे, मुकाबला करेंगे, बल्कि उन्होंने कहा कि नहीं, अदालत के जरिए इसका फैसला होना चाहिए, और अदालतें अगर गैर कानूनी गैर इस्लामी फैसले करती हैं तो वो अपने हुदूद से तजावज करती हैं। चुनाचे इन तमाम मौके पर मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत दिया और उसका कसर पड़ा। तो मेरा कहना यह है कि मुसलमानों ने यहां फिल जुमला यह रवैया अख्तियार किया कि कोई भी मसला हो हम कानून के दायरे में रहेंगे, मुल्क के अमन अमान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसे यहां फसाद नहीं मचाएंगे, हंगामा नहीं करेंगे। ये पोजीशन मुसलमानों की हमेशा से रही है, और इस पोजीशन को जाहिर है कि दूसरा भी महसूस करता है, हमसे भी जुबानी भी गुफ्तगू हुई बहुत से लोगों से, तो उन्होंने यही कहा कि सब वो आस्था का मसला है। मैंने कहा आस्था का मसला नहीं है, जब झगड़ा दो आदमियों के दरमियान हो जाता है तो वहां आस्था की बात नहीं चलती, दलाइल की बात चलती है। कोई बात हो अब मैं ये कहूँ कि सब ये मेरा अकीदा है, आप खामोश हो जाइए, तो ये जबरदस्ती की बात होगी ना, झगड़ा ना होता तो बात दूसरी थी, जब झगड़ा पैदा हो गया तो हम कहेंगे भी किसी भी मुनसिफ आदमी को बिठाइए, उसके सामने बात रखिए, वो जैसा फैसला करेगा हम मान लेंगे, हम तो तैयार हैं, आप क्यों नहीं तैयार हो रहे। तो अब तो यही रास्ता इख्तियार किया गया। अच्छा, कहीं कोई लोग कहते हैं कि सब उस वाक्य के बाद दहशतगर्द पैदा होने लगे, लेकिन वो दहशतगर्द कौन है अब तक साबित करना मुश्किल हो गया। जिन लोगों को दहशतगर्द कहा जा रहा है बरसों के बाद मालूम होता है कि सब उनको दहशतगर्दी का सबूत उनके सिलसिले में नहीं है, वो बरी होते जा रहे हैं। मदारिस के बारे में कहा गया, फिर
स्कूलों के बारे में कहा गया, कॉलेजों के बारे में कहा। शुरू में बात मदारिस से शुरू हुई थी, उसके बाद मालूम हुआ कि भाई जदीद तालीम याफ्ता लोग इसमें मुबतला हैं। लेकिन किसी का भी अदालत, मुसलमानों ने यही कहा, इसमें ये भी एक जज्बाती मसला था कि भाई कोई मुजरिम है तो उसे साबित कीजिए, कोर्ट से साबित कीजिए। अब कोर्ट में चाहे जितना भी मसला लगे, लेकिन बहरहाल कोर्ट से वो सब बरी हो रहे हैं। लेकिन इस मसले में भी जमात में अगर कोई वाकया हो गया कहीं, आप देखेंगे कि किसी मुस्लिम तंजीम ने, किसी मुसलमानों के जिम्मेदार फर्द ने किसी गलत वाक्य की ताइद नहीं की कि साहब ये जो हुआ है सही हुआ है। बाज़ औक़ात जज्बाती तौर पर कुछ बातें हो जाती हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन फिल जुमला मुसलमानों ने इस मामले में भी गोया अमन व अमान का सबूत दिया और अदल इंसाफ के तकाजे पूरे किए। इसलिए कोई शख्स आपसे ये नहीं कह सकता कि साहब आपकी पोजीशन कमजोर है। मैं आपके इस मुल्क के अंदर एक दस्तूर है, एक कानून है, उसके मुताबिक आपको अमल करना चाहिए। ये वो बातें हैं जो बहरहाल हमें सामने रखनी चाहिए। और इस मुल्क में जो मुसलमानों के बहुत से मसाइल हैं, उन मसाइल को भी आप हल करना चाहते हैं दस्तूर की हदूद के अंदर। परसल्ला का मसला हो, जान माल इज्जत आबरू का मसला हो, या मुसलमानों की माशी मसला हो, बावकार जिंदगी गुजारने का मसला हो, उनकी तालीम का मसला हो, उनकी मुलाजमत का मसला हो, ये सब चीजें तो वो हैं जो जिनके बारे में आपने कभी कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि ये कहा कि भाई ये हमारा कानूनी हक है। कानूनी हक इसलिए है कि इसे आपने भी तस्लीम किया है, दस्तूर ने इस बात की गारंटी दी है हर फर्द के बारे में कि तेरी जान माल इज्जत आबरू सब कुछ महफूज है, तुझे तिजारत का हक है, कारोबार का हक है, और तालीम का हक है, इदारे खोलने का हक है, अपने मजहब पर अमल करने का हक है। हम उसी का तो मुतालबा कर रहे हैं। तो ये जो आपने कमिटमेंट किया है दस्तूर के जरिए, उस कमिटमेंट को आपको पूरा करना चाहिए। ये गोया मुसलमानों की पोजिशन है, इसलिए आपकी पोजिशन को आसानी से चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है हमारी एक कमजोरी यह भी रही है, हमारे जो मसाइल हैं वो ये, उन मसाइल को हमने सियासी पार्टियों ही के जरिए हल करने की कोशिश की। आज सियासी पार्टियां हमारी नहीं है, वो तो अपने अपने मकसद के लिए कायम हुई हैं। हम उनसे जाके अपील करते हैं कि साहब ये मसाइल हैं हमारे, आप इसमें हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहते हैं हाँ हाँ साहब हम मदद करेंगे, आप उनके हक में वोट दे देते हैं। जितनी पार्टियां हैं सबसे आप बात करते हैं और उनमें से किसी के हक में आपकी राय बन जाती है, किसी दूसरे की दूसरे के हक में राय बन जाती है। तो आप अपनी परेशानियां सियासी पार्टियों के सामने रखते हैं, जाहिर है कि वो अपने मफाद के अंदर ही आपकी चीजों को देखेंगे। उनका मफाद जहां तक साथ देगा वो अमल भी करेंगे, और नहीं होगा तो उसे इनकार भी कर देंगे। आपने अपने तौर पर इन मसाइल को हाथ में लेकर हल करने की कोशिश नहीं की, तो ये बड़ा मसला है। एक बात यह है कि सियासी सतह पर मसाइल, यकीनन बहुत सी चीजें वो हैं जो हुकूमत के इख्तदार में होती हैं, ताकत कब्जे में होती हैं, इसलिए आपको ये रास्ता भी इख्तियार करना पड़ता है, इसमें मजबूरी है आपकी। लेकिन ये आपके मसाइल का कुल हल नहीं है, एक छोटा सा हल है। इसके साथ एक मौका ये भी है जिसे हमें जाया नहीं करना चाहिए। बिलाशुबा इस वक्त एक ऐसी पार्टी बरसर इख्तदार आई है जो खुलकर इस्लाम की और मुसलमानों की मुखालिफ है। इलेक्शन के मौके पर हो सकता है किसी ने कुछ नरम अल्फाज में बात की हो, लेकिन वो ये समझते हैं इस्लाम के होते हुए कुरान शरीफ का को आखिरी किताब मानकर इस मुल्क में अमन और चैन कायम नहीं हो सकता, और मुसलमान जब तक यहां हैं अपनी इनफरादियत के साथ इस मुल्क में अमन और चैन नहीं कायम हो सकता, इनको हमारी तहजीब के अंदर जम हो जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है कि अब आपको इसका मौका मिला है कि आप बराह रास्त उनसे बात करें,
वो लोग जो कहते थे हाँ साहब आप भी बहुत ठीक कर रहे हैं, इस्लाम में हर तरह की खूबियां हैं और हम भी मानते हैं, हमने बहुत पढ़ा है, वो नहीं है। बल्कि ऐसे ग्रुप से आप बात करेंगे जो ये समझ रहा है कि इस्लाम आप हिंदुस्तान के लिए नुकसानदेह है और मुसलमानों का वजूद अपनी इनफरादियत के साथ नुकसानदेह है। आप उससे बात कीजिए और बराह रास्त उससे कहिए कि इस्लाम क्या चाहता है। इस्लाम तमाम इंसानों के लिए है, इसे आपने हमारा मजहब समझ लिया, ये मेरा भी मजहब है, आपका भी मजहब है, आप इस पर गौर करें और इसमें पूरे मुल्क की भलाई है। और फिर आप तफसील से बताइए कि आप इसे इस्लाम को इख्तियार करेंगे तो यहां के कमजोर तबकात के मसाइल कैसे हल होंगे, किस तरह वो गरीबों की मदद करता है, नादारों की मदद करता है, वीकर सेक्शन को ऊपर उठाता है, और इख्तदार में जो लोग हैं उनके इख्तदार को कैसे कंट्रोल करता है, उनको अल्लाह उनके अंदर अल्लाह का खौफ कैसे पैदा करता है। ये बात मेरा ख्याल है कि कहीं आई ही नहीं, ये बात कहने की जरूरत है कि हमारे और आपके दरमियान इस्लाम जरे बहस आना चाहिए। आपका एक सिस्टम है जिसकी वजह से इस मुल्क को चला रहे हैं आप, और आपको अगर इख्तदार मिले इस पोजिशन में भी हैं शायद आप कि दस्तूर में भी कुछ तब्दीलियां कर ले जो बहुत खतरनाक किस्म की चीजें हो सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारा कहना यह है कि इस मुल्क की भलाई इस्लाम में है, वो हमारे और आपके मसाइल हल करता है, इस पर हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू होनी चाहिए। मैं इसलिए इस्लाम को सीने से लगाए हुए हूं कि मैं समझता हूं कि मेरे मसाइल को वो हल करता है। इस्लाम एक अल्टरनेटिव फराहम करता है, इस पर हम गुफ्तगू करें। मेरा ख्याल है कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने यहां की गैर मुस्लिम आबादी के सामने ये बात कही हो। कुछ अच्छी अच्छी बातें उनके सामने भी आ जाती हैं, वो भी तायद कर देते हैं आपकी ये बात कि दुनिया और आखिरत की भलाई का एक सिस्टम आपके पास है। अब आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके मुखालिफ हैं, जैसे कुरान में बार बार कहा मुश्रिकीन से खिताब करते हैं कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, मैं दलायल के साथ बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास कोई दलील हो तो उसे पेश करो। ये अंदाज आपको इख्तियार करना होगा। जाहिर है कि इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा अज़्म चाहिए, बड़ा इरादा चाहिए, लेकिन ये काम जब तक आप नहीं करेंगे, अब ये मेरा ख्याल है आपको मौका फराहम कर रहा है। आप कहिए कि हमने आपकी मुखालफत भी की, सियासी सतह पर मुखालफत की, हमें यह अंदेशा था कि दस्तूर ने जो आजादी दी है वो आजादी आप खत्म कर देंगे, हमारे जो हुकूक हैं वो हुकूक बाकी नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप हुकूमत इस दस्तूर के तहत कर रहे हैं तो हुकूक हमारे महफूज होने चाहिए, और हम हमारे पास जो इस्लाम है उस पर आपको गौर करना चाहिए। कुरान मजीद में बात यह बताई गई कि शिकस्त के बाद फतह का रास्ता क्या है। सूरह आले इमरान का भी मैं हवाला दिया, एक से दो हवाले उसके दिए। सूरह आले इमरान का पूरा पस मंजर भी आपके सामने आ गया। सूरह आले इमरान की आखिरी आयत क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुफ्लिहून, ये ईमान वालों जमे रहो। अब आप इसके इसे उस पस मंजर में देखिए, ये ईमान वालों जमे रहो, वो साबिरू जमने में और इस्तिकामत में पामर्दी में एक दूसरे का मुकाबला करो। इसमें बात भी शामिल है कि तुम्हारे दुश्मन भी अपने मौके पर जमे हुए हैं, उनसे बाजी ले जाओ, ये ना कहा कहें कि इनके कदम फिसल गए और हम तो जमे हुए हैं, नहीं, उनसे बाजी ले जाओ। वो राबितु जुड़े रहो, जुड़े रहो, ये लफ्ज असल में फौज को जिस तरह कंट्रोल किया जाता है ना, उसके लिए आता है राबता गर्ज। मुहाजे जंग पर फौज में जिस जो इतिहाद होता है, यहां जंगी मालूमात रखने वाले लोग नहीं होंगे, उनमें जो इतिहाद होता है उसकी तरफ इशारा होता है, राबता उसी को कहते हैं। और हदीस में उसकी वजाहत भी की गई है कि मुहाजे जंग पर जिस तरह जमे रहते हैं इस तरह जमे रहो, अल्लाह से डरो तो कामयाब हो जाओगे,
हर मामले में खुदा का खौफ इख्तियार करो। मेरे दोस्तों और साथियों, कोई वजह नहीं है कि आप ये कहें कि हालात ऐसे बदल गए, ऐसे पैदा हो गए कि हम यहां नहीं रह सकते, हमें कोई यहां से हटा सकता है। हमारे मतलब यह है कि हम अगर ये तय कर लें कि इस्लाम के साथ जिंदा रहेंगे तो चाहे हमारी जान चली जाएगी, लेकिन रहेंगे इस्लाम के साथ ही। और दुनिया को ये बताना है कि हम इस्लाम को अपने लिए भी फलाह का जरिया समझते हैं, तुम्हारी कामयाबी का भी जरिया समझते हैं। आओ जरा इस पर गौर कर लो, ये मौकफ अगर आप इख्तियार करें। और वाकया यह है कि हमने किसी सियासी पार्टी के सामने भी कभी इस तरह बात नहीं की। चंद इशूज को लेके जिसका ताल्लुक दीन से बाजार नहीं मालूम होता, आपके वजूद वखा से मालूम होता है, उस तरह की गुफ्तगू हमने उन पार्टियों से भी नहीं की। लेकिन अब मेरा ख्याल है आपको खुलकर इनके सामने ये बात कहनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, और आपकी इस्लाम से दूरी जो है उसकी कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। बहरहाल एक ऐसा वाकया हुआ है जिसकी वजह से बहुत से लोगों को घबराहट होगी, कम से कम आपके अंदर एक घबराहट ना हो। और आप ये लोगों के अंदर अगर कोई शख्स महसूस करता है कि साहब अब ज्यादा हालात पेचीदा हो जाएंगे, तो आप उसे इत्मीनान दिलाइए, पेचीदा होने के बावजूद हम यही रहेंगे और यही जिंदगी गुजारेंगे और उसका मुकाबला करेंगे, इंशाल्लाह उसका हौसला ही बुलंद होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें इस वक्त अर्ज की गई हैं उस पर आप मजीद गौर करें, और हालात आते रहेंगे जाते रहेंगे, और हमें अपने मौके पर जमे रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए कि ऐसे मौके पर अल्लाह ताला का हुक्म यह है कि अल्लाह से ताल्लुक इंसान का मजबूत हो। दुआ करें कि अल्लाह, हालात बाजार नापसंदीदा से मालूम हो रहे हैं, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं, तू चाहे तो हालात बदल सकता है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वाखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।